जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PR की अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको कई बार ट्रेन लेट होने की समस्या से गुजरना पड़ता होगा, ऐसे में एक रेल यात्री तौर पर आपको क्या अधिकार है। बहुत ही कम लोग इस बारे में जानकारी होती है। यह भी हो सकता है कि आपको तो इस बारे में पता हो, लेकिन आपको दोस्त और रिश्तेदार को इस बारे में जानकारी ना हो। ऐसे में आपको उन लोगों से भी यह जानकारी जरूर शेयर करनी चाहिए। आज आपको रीडर्स को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो लोग अक्सर शताब्दी, राजधानी और दुरंतो जैसी एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र करते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए यह खबर बेहद ही काम की साबित हो सकती है। ट्रेन लेट होने पर IRCTC की ई कैटरिंग पॉलिसी। अगर आपकी ट्रेन अपने समय से देरी से चल रही है तो IRCTC आपको कुछ मील जैसे खाना और कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है। यह मील IRCTC द्वारा आपको मुफ्त में दिया जाता है। ऐसे में आप बिल्कुल भी यह ना सोच के आप मुफ्त मील क्यों ले रहे हैं, आपका अधिकार है। इंडियन रेलवे में ट्रेन लेट होने पर IRCTC की कैटरिंग पॉलिसी के तहत यात्रियों को नाश्ता और जलपान दिया जाता है। जाने का मिलता है या सुविधा, ऐसा नहीं है कि आधा घंटा लेट होने पर यात्रियों को मुफ्त मील की सुविधा दी जाती है। IRCTC की कैटरिंग पॉलिसी के इस नियम के तहत अगर ट्रेन अपने समय से 2 घंटे या इससे ज्यादा लेट है तो एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों को यह सुविधा मिलती है। IRCTC द्वारा दी जाती है सुविधा। अगर ट्रेन अपने तय वक्त से 2 घंटे से ज़्यादा लेट है तो IRCTC की पॉलिसी के अनुसार यात्रियों को यह सुविधा दी जाती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, 2 बिस्किट, चाय, कॉफ़ी पाउडर, दूध का पैकेट।